रायबरेली में धूमधाम से छठ पूजा मनाई गई। नाच गाने के साथ श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ दिया। आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। सूर्योपासना का ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। यूपी बिहार से अब कई राज्यों में छठ की पूजा की जाती है। यह 4 दिनों तक चलने वाला छठी मैया का व्रत है, जो देश में ही विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। यह कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिनों में मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की शुरुआत सोमवार को स्नान यानी नहाए खाए के साथ हुई। इसके बाद मंगलवार को व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा है। छठ पर्व बहुत कठिन माना जाता है और इसे बहुत सावधानी से किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्रती छठ के नियमों का पालन करती है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस दिन छठ पूजा का समापन होता है उस दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व के आखिरी दिन सुबह से ही नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है। इस दिन व्रती और उनके परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर जमकर गाना बजाना करते हैं और उगते सूरज का इंतजार करते हैं। सूर्य जब उगता है तब उसे अर्घ अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रती एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद व्रती अपने घर आकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत को खोलते हैं। इस तरह पावन व्रत का समापन होता है। इस पर्व में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। सूर्य देवता के साथ साथ छठी माता की भी पूजा की जाती है। मानता है कि छठी माता बच्चों पे हमेशा रक्षा करती है और उन्हें लंबी आयु प्रदान करती है।